मारपीट के एक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीमो पप्पू यादव की कोर्ट में पेश हुई। पप्पू यादव इस मामले में 2018 से वेटोटी के बाद बाहर थे। आज पेशी के दौरान कोर्ट ने इस मामले में उन्हें अगली तारीख 25 नवंबर को दिया है। कोर्ट में पेशी के बाद उन्होंने मीडिया से होकर बिहार में स्थापन को सरकार इस कानून पर पुनर्विचार करे। आज जहरीली शराब पीने से और सेवानिवृत्त हुई सरकार नेता और अधिकारियों की जानकारी की ओर ढूंढने के दल के दीवार साफ हो चुके हैं। शराबबंदी से बिहार के राजस्व का नुकसान भी है और नकली शराब पीने से मौत का भी खतरा है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी में गरीब लोग फंस रहे हैं। बड़ी मछली आज पैसा बना रही है तो बिहार में हत्या रेप सब आज शराब के कारण ही हो रहा है। उन्होंने शराब नेताओं की गठबंधन जांच होनी चाहिए। न्यूज़ के लिए सुपौल से संवाददाता अमरेश कुमार रिपोर्ट। तो हमेशा प्राथमिकता है ना न्याय, न्यायालय हमारी डेमोक्रेसी की मजबूतता है। अभी वैसे लगातार सिवान में शराब से 7 लोग मर गए, फिर मुजफ्फरपुर में कल 6 लोग मर गए, दोनों जगह जा करके तब हम यहाँ आए। लगातार हालात बिहार के अच्छे नहीं हैं, परिस्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल नहीं है। हर जगह अपराध और माफिया कंप्लीट सड़कों पर, और शराब माफिया और बलात्कार के केसेस शराब के चलते और मर्डर इतने ज़्यादा बढ़े हैं जिसका हिसाब नहीं। मैंने मुजफ्फरपुर की घटना और सिवान की घटना पर हाईकोर्ट के नेतृत्व में जांच मैंने मांग की है, और मैंने मांग किया कि जो भी पदाधिकारी हैं वो सस्पेंड हो, वो डिस्चार्ज हो किसी भी कीमत पर, और नेताओं के ब्लड की जांच हो शराब की किसी भी परिस्थिति। बहुत मैंने क्लियर सुन रही है। अब भैया 10 मिनट है।